Good morning everyone. My name is Professor Nidhi Gaur from SIRT Bhopal. So today we discuss a very important topic of our syllabus, Newton rings. So before start Newton rings, we have to study about the experimental setup of Newton rings. तो जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि न्यूटन रिंग्स का जो सेटअप है ये कुछ इस तरह का है. इस सेटअप को जो हम देखते हैं तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है जो कि एक प्लेन प्लेट पर रखा हुआ है. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब होता है ऐसा लेंस जिसका एक जो सरफेस है वो कैसा है, प्लेन है, और जो उसका लोअर सरफेस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है. और जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है उसको हम प्लेट के ऊपर जब रखते हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे रही है कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग आपको एयर फिल्म दिखाई दे रही है. ठीक है, आप क्या करते हैं जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, जैसे कि हमने यहाँ पर सोडियम लैम्प ले रखा है, ऐसा कोई भी सोर्स जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो उससे हम क्या करते हैं, लाइट को फॉल कराते हैं एक बायो कॉन्वेक्स लेंस पर, जो स्प्रेड लाइट हो रही है उसको क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है, और पैरेलल जो रे लाइट आ रही है वो उसको हम फॉल कराते हैं एक 45 डिग्री पर इंक्लाइन प्लेट पर, ग्लास प्लेट पर. जब ये 45 डिग्री पर ग्लास प्लेट जो इंक्लाइन है उस पर जब ये लाइट फॉल करती है तो इस ग्लास प्लेट से वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो जो है लाइट वो इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और इस ग्लास प्लेट के बीच में जो एयर फिल्म है इसके बीच में इंटरफेरेंस करती है. और इंटरफेरेंस के बाद हमें यहाँ पर ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में जो इंटरफेरेंस मिला है उसका पैटर्न दिखाई देता है. न्यूटन रिंग्स सेटअप देखने के बाद हम देखते हैं कि इन रिंग्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है. अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक ग्लास प्लेट पर प्लेस है. जैसा कि हमने बोला है मोनोक्रोमेटिक सोर्स से हमें लाइट जो है फॉल कराते हैं हम, और वो जो लाइट होती है वो कहाँ पर आती है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और लेंस पर आती है. तो क्या होती है, जैसे कि हम जैसे एक रे की बात करें, आप ये जो आपको रे दिखाई दे रही है ए, ये ए पॉइंट पर आकर यहाँ प्लेनो कॉन्वेक्स के ए पॉइंट पर आकर यहाँ पर रे का आपका देखिए मीडियम चेंज होता है, एयर टू डेंसर हुआ, यानी आप एयर टू कहाँ आ रही है, ये रे एयर टू ग्लास में आ रही है. जब ये एयर टू ग्लास में आती है तो इसका मीडियम चेंज होने की वजह से जो रे है उसका पाथ भी चेंज होता है और वो नॉर्मल से अवे हो जाती है, मतलब इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अभी जब नॉर्मल इधर से इधर आती है तो ये जो है ये रे है वो क्या करती है, कॉन्वेक्स लेंस के प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स सरफेस से टकराती है, और ये यहाँ पर आने के बाद बी पॉइंट पर आने के बाद ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, और यहाँ से ये आपको आर वन दिखाई दे रही है. आर वन जो रे है हमारी रिफ्लेक्टेड एरिया में हमें दिखाई देने लगती है. अब जो आर वन हमें मिली है वो हमारी कॉन्वेक्स लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद मिली है, मतलब ये जो ये आर वन रे है वो यहाँ पर नहीं गई है, मतलब ग्लास प्लेट में के ऊपर नहीं फॉल हुई है. लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो हमारी ये रे है ए बी रे है वो क्या होती है, उसका कुछ पार्ट तो प्लेनो कॉन्वेक्स के कॉन्वेक्स पार्ट से रिफ्लेक्ट होता है, बट कुछ जो पार्ट होता है वो इसके पार्ट से यहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है, और वो जो ट्रांसमिटेड पार्ट में जो हमारी रे गई है वो क्या होती है, एयर फिल्म से ट्रेवल करते हुए कहाँ आती है, प्लेट के ऊपर फॉल होती है, और प्लेट पर फॉल होने के बाद यहाँ से फिर ये एयर फिल्म यहाँ पर एयर फिल्म में जाती है, और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है. जब प्लेस ग्लास जब ये जो रे है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है एयर फिल्म से जाती हुई यहाँ से ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होती है, और यही रे हमको आर टू के फॉर्म में हमें रिफ्लेक्टेड एरिया में दिखाई देती है. इससे हमें दिखाई दे रहा है कि आर वन जो रे है हमारी और जो आर टू रे उनके दोनों के बीच में, इन दोनों रेस के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आर वन जो रे है वो हमारे प्लेनो कॉन्वेक्स के कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है, जबकि आर टू जो रे है वो हमारे प्लेनो कॉन्वेक्स के यहाँ से प्लेनो कॉन्वेक्स से ट्रांसमिट होकर कहाँ पहुंची है, आपके ग्लास प्लेट पर पहुंची है, और ग्लास प्लेट से ट्रांसमिट होकर हमको दिखाई दी है. इस वजह से इन दोनों के बीच में ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इन जब पाथ डिफरेंस क्रिएट होने के बाद जब ये दोनों रेज एक मीडियम में आगे ट्रेवल करती है तो इनके बीच में इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि जब इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है उसका जो पैटर्न है वो रिंग्स के फॉर्म में हमें मिलता है. और ये रिंग्स इस तरह से होती है कि हमें जो इनका सेंटर होता है रिंग्स का वो हमें डार्क मिलता है, और हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है. क्योंकि ये सेटअप जो है किसने दिया बनाया था, न्यूटन ने, और ये हमें जो मिल रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न वो रिंग के शेप में मिल रहा है, इसलिए इस पूरे सेटअप को हम न्यूटन रिंग सेटअप बोलने लगते हैं. तो चलिए इसके बाद जब हमने इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लिया, इसकी प्रोसेस देख ली, अब इसका हम चलिए इसका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पार्ट भी देख लेते हैं. ताकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, वहां पर हमने कैलकुलेट किया, वहां पर हम निकाला है कि जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होता है रेस के बीच में वो कितना होता है, वो हम निकाल चुके हैं कि वो होता है डेल बराबर होता है टू म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाय टू. लैम्डा बाय टू क्यों है, क्योंकि जो हम अभी एरिया जो रिंग्स फॉर्मेशन देख रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड एरिया में देख रहे हैं, इस वजह से लैम्डा बाय टू जो स्टॉक्स लॉ से उस जो टर्म होता है वो हम इसमें एड ऑन करते हैं. अब ये हमारा इक्वेशन निकल आया म्यू
लैम्डा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2। जैसा कि हमको पता है कि जो म्यू होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और एयर के लिए क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हमें मालूम है एयर के लिए म्यू इक्वल्स टू 1 होता है। ये वैल्यू हम यहां पुट करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि डेल इक्वल्स टू हो जाएगा 2t cos r प्लस लैम्डा बाय 2। अब हमें दिखाई दे रहा है कि चूंकि हमारी जो रेज है वो क्या हो रही है, सीधी नॉर्मली फॉल हो रही है, तो उस कंडीशन में मालूम है आई इक्वल्स टू आर होता है और आर कितना होगा, 0 होगा, है ना, एंगल कितना होगा, 0 होगा। उस कंडीशन में कॉस, अगर आर की जगह पे हम 0 रखते हैं तो कॉस 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2t प्लस लैम्डा बाय 2। इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं 1। तो ये हमारी कंडीशन निकल आई कि हमारा इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस कितना होगा। ये इक्वेशन जो है इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस शो कर रही है। अगर हम देखते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है, हम देख लेते हैं अलग अलग फ्रिंजेस के लिए अलग अलग होगा, डार्क के लिए क्या होगा और अगर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है तो क्या होगा। पहले कंडीशन हम देख लेते हैं कि अगर हमारी क्या है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, हम देखें ब्राइट GST ब्राइट फ्रिंजेस के लिए या ब्राइट विंग्स के लिए देखें हम, तो हमें मालूम है कि लैम्डा जो वो ब्राइट के लिए हमें पता है, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्राइट के लिए, अगर ब्राइट के लिए है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लैम्डा होता है। तो इसकी जगह हम वैल्यू हम जब इसकी इक्वेशन एक में रखते हैं, मन में रखते हैं, तो हमारी इक्वेशन बनती है 2t प्लस लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू एन लैम्डा। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है 2t इक्वल्स टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2। इसको सॉल्व करने से बनता है 2t इक्वल्स टू बनेगा आपका कितना, बनेगा एन माइनस 1 लैम्डा बाय 2। इक्वेशन आगे इसको नंबर दे देते हैं 2। सेम टू सेम अगर हम इसके लिए देखते हैं, डार्क फ्रिंजेस के लिए देखते हैं, तो हमें पता है डार्क के लिए हमें मालूम है डार्क फ्रिंज के लिए होता है पाथ डिफरेंस इक्वल टू होता है 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। अब यहां हमें पता है कि यहां पर जो बिग रिंग है इसकी वैल्यू कितनी थी, कितनी थी, हमारा क्या है वैल्यू इसके हिसाब से, ये हमारी इक्वेशन 1 से हमें पता है बिग इक्वल टू 2t प्लस लैम्डा बाय 2, और ये जो वैल्यू है वही के वही रखी रहे तो माइनस 1 लैम्डा बाय 2। देखा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा 2t इक्वल्स टू, ये उधर चले जाते हैं तो 2t इक्वल्स टू आता है एन लैम्डा। किसके लिए आता है ये, डार्क के लिए, फॉर डार्क रिंग्स, और ये किसके लिए आता है, फॉर द ब्राइट रिंग्स, फॉर ब्राइट रिंग्स। ठीक है, अब हम इन रिंग्स का डायमीटर देखते हैं और उसके लिए डेरिवेशन करते हैं। उस डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम एक इस तरह का एक डायग्राम से बनाया है, आप इस डायग्राम को देखिए। हमें पता है कि जो हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है वो किसी सर्कुलर शेप के लेंस को काट कर ही बनाया गया है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको हम कंप्लीट करते हैं तो कुछ इस तरह का शेप मिल रहा है ना, सर्कुलर शेप मिल रहा है। इस सर्कुलर का शेप का जो सेंटर होगा वो क्या हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया है। हमें पता है ओ से सर्कुलर के हर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, उसकी रेडियस होगी, और रेडियस हर जगह बराबर होगी। हमें दिख रहा है ओ से लेके बी तक एक क्या है, जो कि यहाँ पर हमें जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो प्लेन पर वहां तक का पॉइंट है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, और उसको हमने लिख दिया आर। हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस जो होगी ओ से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो यहां पर होगी वो कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी भी क्या है, आर ही होगी। तो जब यहां से यहां तक की दूरी आ रही है, यहां से यहां तक की दूरी आ रही है, तो अगर हम यहां से यहां तक की ओ से लेके ए तक की दूरी देखें तो कितनी होगी डिस्टेंस, ये टोटल आर है क्योंकि रेडियस है, और ये ए टी है, तो कितनी होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, आर माइनस टी होगी, होगी ना। तो हमें दिखाई दे रहा है ये जो यहां से ये है एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है आपको, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें ओ बी बराबर है आर, ओ बी बराबर है आर के जो की रेडियस है, ए बी इक्वल टू है, ए बी इक्वल टू है स्मॉल आर, इस डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है उसको हमने क्या बोल दिया, स्मॉल आर बोल दिया है, और हमने जो ओ से लेके ए तक की दूरी है, ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है उसको बोला है आर माइनस टी, क्योंकि ये क्या है रेडियस है और ये क्या है थिकनेस है, तो आर कैसे टी जाएगा, तो ये वाला ये कितना होगा, आर माइनस टी होगा। अब इस वाले ट्राइंगल में राइट हैंड ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या निकल आता है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी इन दिस, तो हमें क्या होता है, हाइपोटेनस इक्वल टू होता है हाइट प्लस बेस, तो हम लिखेंगे क्या इसके हिसाब से लिखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टी का स्क्वायर। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो आती है हमारी इक्वेशन आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लग रहा है तो क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड डी स्क्वेयर माइनस टू ए डी, तो टू ए की जगह पे आर और बी की जगह पे टी, तो हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वेयर और ये आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया और हमें मालूम है कि टी टी क्या है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर। अगर हम यहाँ देखेंगे टी बराबर क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर टी की वैल्यू जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है फिल्म की, फिल्म की कितनी होती है जीरो होती है। टी इज क्या है, टी इज द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म, तो टी कितना होगा यहाँ पर जीरो होगा, है ना। तो हमें पता है यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टी इज इक्वल टू जीरो होगा, टी इज इक्वल टू जीरो इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हमारा इक्वेशन निकल आता है, इसको हम निकालें तो आर स्क्वायर निकल आता है टू आर टी निकल आता है, ये इस तरफ लाएंगे तो टू आर टी निकल आएगा। यहां से हम टू टी की वैल्यू निकालते हैं तो टू टी स्क्वायर निकलना है आर स्क्वायर अपॉन आर। इसको हम जैसा कि हम पहले भी निकाल चुके हैं टू टी की वैल्यू फॉर द ब्राइट रिंग्स एंड द फॉर द डार्क रिंग्स, तो हम टू टी की वैल्यू पुट करते हैं हमारी पहले वाली इक्वेशन में। जो हमारी इक्वेशन थी ब्राइट रिंग्स के लिए, ब्राइट के लिए जो ब्राइट रिंग्स के लिए अगर हम कंडीशन निकालें देखें उसका ब्राइट रिंग का डायमीटर देख रहे हैं, तो ये 2t इज इक्वल टू क्या निकल रहा है आर स्क्वायर अपॉन आर, और ये बराबर किसके थे 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। अब हमें जैसा कि दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन आर है तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल आएगी, आर ऊपर यहाँ आ जाएंगे और आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। अब आर स्क्वायर जो है यहाँ पर इसको हम अगर आर की वैल्यू निकालते हैं तो इक्वेशन आ जाती है अंडर रूट आर 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। अब हमें पता है रेडियस को अगर 2 से इंटू कर, रेडियस का डबल कितना होता है डायमीटर, तो अगर हम इसमें 2 का इंटू कर दें तो ये 2 का अगर इंटू कर दें तो ये हमारा क्या निकल आएगा डायमीटर निकल आएगा, और डायमीटर इसको टू क्या निकल आएगा, ये 2 अगर इस रूट के अंदर जाएंगे तो बन जाएंगे 4 अंडर रूट 4 आर है 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। ये 2r में 2r बराबर डी लिख दिया क्योंकि रेडियस का डबल करते हैं तो डायमीटर मिलता है, और हमें दिखाई दे रहा है कि जो 4 है 4 एक कांस्टेंट है, आर इज अ कांस्टेंट क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी, लैम्डा जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमने मोनोक्रोमेटिक क्या रखा है सोर्स ऑफ लाइट रखा है, और 2 तो कांस्टेंट है ही, तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ चेंज क्या हो रही है वैल्यू 2n माइनस 1 की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये जो है ये हम 2 और 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं, इक्वेशन बन सकती है डी इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2r लैम्डा, ये लिख सकते हैं इस तरह से, और बचा क्या, यहाँ बचा 2n माइनस 1, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको हम डी को प्रॉपर रिप्लेस कर सकते हैं, और ये इससे निकल आता है डायमीटर फॉर द ब्राइट रिंग्स निकल आता है अंडर रूट 2n माइनस 1, यानी क्या समझ आ रहा है जो ब्राइट रिंग्स का जो डायमीटर होता है वो हमेशा ऑड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारी डी की वैल्यू निकल आई किसके लिए, फॉर द ब्राइट रिंग्स। ठीक है, इसी तरह हम निकाल लेते हैं डार्क रिंग्स के लिए, किसके लिए फॉर डार्क। जैसा कि हमें डार्क रिंग के लिए पता है 2t की जो वैल्यू थी कितनी है आर स्क्वायर अपॉन आर फॉर द इक्वेशन दिस, और उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी निकली थी डार्क रिंग्स के लिए एन लैम्डा। ठीक है, यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू अगर निकाली सेम टू सेम जैसे यहाँ किया था एन लैम्डा, आप ये आर इधर चले जाएंगे, है ना, ये इक्वेशन, अब यहाँ से आर की वैल्यू निकली तो क्या निकल आएगा अंडर रूट एन लैम्डा आर। ठीक है, हमें पता है कि 2r इज इक्वल टू कितना होता है डी होता है डायमीटर, और डायमीटर इज इक्वल टू कितना निकल आएगा, इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा तो 2 का इंटू किया तो आया एन लैम्डा आर। इसको 2 को भी अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर डालें अंदर रखें तो क्या आ जाएगा 4 एन लैम्डा आर। अब हमें पता है कि 4 इज अ कांस्टेंट, लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट, आर की वैल्यू कांस्टेंट, तो डार्क रिंग के लिए जो डायमीटर निकलेगा वो इक्वल टू प्रोपोर्शनल होगा किसके अंडर रूट एन के होगा, इसलिए पता चल रहा है फॉर द डार्क रिंग्स जो डायमीटर होता है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो ये हमारा डायमीटर निकल आया है फॉर द डार्क रिंग्स एंड द ब्राइट रिंग्स। अब इसके तक के डेरिवेशन में हमने जो हमारी ब्राइट रिंग्स थी और जो हमारी डार्क रिंग्स थी उनका डायमीटर निकाल लिया है, उसको कैलकुलेट कर लिया। इसके आगे अब हम देखते हैं कि जो हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, जो भी लाइट सोर्स हम यूज कर रहे हैं उसका जो वेवलेंथ है वो क्या है, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि हम जैसे डायमीटर निकाले किसी का भी ले सकते हैं, हम चाहें तो ब्राइट रिंग्स का या तो डायमीटर डार्क रिंग्स का ले लेते हैं। डार्क रिंग्स का इसलिए ले रहे हैं कि उसका जो इक्वेशन था वो छोटा था तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी होंगी, इस वजह से हम उसका जो डार्क रिंग है उसका जो इक्वेशन जो हमें मिला था उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो ब्राइट रिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमें मालूम है कि जो डायमीटर था डी एन जो बोले डार्क रिंग्स के लिए वो कितना था अंडर रूट 4 एन लैम्डा
और आधा ये थ्री। अगर हम इस तरह से देखें कि जो ये nth रिंग के लिए है डायमीटर, अगर हम देखें n प्लस p मतलब कोई रिंग है, मान के चले ये इसके लिए था ये डायमीटर, अगर हम बोले कि n प्लस p रिंग्स के लिए हम डायमीटर देखें तो हम उसको लिख देते हैं n की जगह पे लिख देंगे हम n जो भी वैल्यू है, जैसे ये 1 के लिए है और ये 3 के लिए, तो p की जगह पे क्या आ जाएगा 2 है ना। n प्लस p के लिए जो रिंग्स डायमीटर होगा वो कितना होगा अंडर रूट 4 n की जगह पे n प्लस p लैम्डा r। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करें और इसका भी स्क्वायर करें तो हमें जो इक्वेशन मिलती है वो मिलेगी 4n लैम्डा r है ना। और यहां पर क्या मिलेगी, क्या मिलेगी यहां पर हमें इक्वेशन मिलेगी 4n प्लस p लैम्डा r। ठीक है, ये मिलेगी। अब क्या करते हैं हम देखें कि अगर हम इस इक्वेशन से इसको माइनस करते हैं यानी d स्क्वायर n प्लस p माइनस करते हैं d स्क्वायर n, तो जो हमारी इक्वेशन मिलती है वो क्या मिलती है देखें 4n 4n प्लस p लैम्डा r माइनस 4n लैम्डा r। इसको सॉल्व करें तो क्या इक्वेशन मिल रही है देखिए, इसको सॉल्व करें 4 पूरा इक्वेशन सॉल्व करो 4n लैम्डा r माइनस प्लस ये आएगा 4p लैम्डा r माइनस 4n लैम्डा r। ये जो है और ये आपको दिख रही है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी 4p लैम्डा r आएगी। और ये किसके बराबर चल रहा है d स्क्वायर n प्लस p माइनस d स्क्वायर n। यहाँ पर आप जिसकी भी वैल्यू रखेंगे चाहे किसी भी डार्क रिंग की वैल्यू रख देंगे तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, उससे हम वहां पर जो लाइट सोर्स है उसकी हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है कि लैम्डा यहाँ पे वैल्यू दिख रही है तो लैम्डा हमें यही लिखना है, तो ये बाकी वैल्यू नीचे आ जाएंगी, इक्वेशन में जाएगी डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन अपॉन बचा क्या 4dr, तो 4dr। इस इक्वेशन से हम हमारा जो लाइट सोर्स है उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे वैसे ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू।